हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनेबल टच इन मोबाइल स्क्रीन। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर टच को कैसे इनेबल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मोबाइल स्क्रीन टच को इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग को क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या होगा, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स करना क्या होगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड डेवलपर मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक डेवलपर मोड को इनेबल नहीं किया तो इनेबल कर ले। वो कैसे करना है आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमने वहाँ पर पूरा बताया कैसे इनेबल करना है डेवलपर ऑप्शन को। तो फ्रेंड्स डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉर्नर पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इनपुट का। तो यहाँ पे फ्रेंड इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है शॉर्ट टैब का। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट टैब को इनेबल करना है। जैसे आप यहाँ पे इनेबल करते हैं तो मेरा दिखते हैं टैब यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन का टच यहाँ पे इनेबल हो चुका है। फ्रेंड इसके इस तरीके से मोबाइल स्क्रीन टच को इनेबल कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड इस तरीके से टच को इनेबल कर सकते हैं इजीली तरीके से।